ना जी उन्होंने देख लिया सी। हाँ उन्होंने देख लिया सी। हाँ जी युवराज सिंह बाहर तो ज्यादा ही है अठ फुट दीवार है जी करीब 15 का होगा आया दरख्तों से असं दरख्तों तो रिकवर किया जी एक बस इधर ला के परले पासे पास रिकवर 100 फुट अंदर आ गया जी आलमोस्ट 100 फुट हो गया ना जी शिल्प बार है इत्थे ही उन्होंने पसंदीदा जगह आ गई मोस्टली इत्थे क्योंकि साफ सुथरी जगह ने इत्थे बैठे ने मतलब उन्होंने किन्नियां ने ढाया वैसे दो ने जोड़ा सी जोड़ा नहीं जोड़े ने ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੀਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ जो चंदी जू में हुआ इंसिडेंट क्या पूरा मामला था क्या इंफॉर्मेशन इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अराउंड 220 आवर पैट्रोलिंग टीम गॉट इन्फॉर्मेशन एक बंदा 30 फुट कंपाउंड वॉल के ऊपर चढ़ के अंदर घुस गया दो 20 में साढ़े पैट्रोलिंग गार्ड्स ने इमीडिएटली विसिल मारते हुए इन्फॉर्मेशन दिया रेंज 2 एनिमल मैनेजमेंट रेंज 5 सिक्योरिटी मैनेजमेंट सो इमीडिएटली दोनों रेंज अफसर पहुंच गए थे एंड इमीडिएटली सफारी बंद कर दिया और दो बस में हमारे रेस्क्यू टीम क्विक रिस्पॉन्स टीम विद डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स उधर पहुंच गए थे दो बस में हमारे जू कीपर्स और दो रेंज ऑफिसर्स विद 3 गार्ड्स प्लस हमारे डेली वेज एम्प्लॉयज रेस्क्यू टीम पहुँच गए थे पहुँचते वक्त देखा है उसमें अटैक गर्दन में करके रखा है दो लाइन आज सफारी विच सी एक मेल एक फीमेल क्या नाम है सर मेल का नाम युवराज है फीमेल का नाम शिल्पा सो शिल्पा ने अटैक किया एज पर जो पहली बार उन्होंने देखा है सो उसके बाद इमीडिएटली उसको थोड़ा हॉर्न और साउंड बजाते हुए एनिमल को अलग किया है उसके बाद जो बंदा अटैक किया हुआ इंजर्ड बंदा है उसको इमीडिएटली बस में लेते हुए बाहर आ गए सो इमीडिएटली पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गए पुलिस पहुंच गए थे सो पुलिस के सहयोग नाल इमीडिएटली वी रीच द हॉस्पिटल और हमारे स्टाफ और हॉस्पिटल तक पहुँचे देखते हुए लग रहा था बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इमीडिएटली देहरा बस में पहुँच के डॉक्टर के पास सर इससे पहले भी कोई घटना हुई है सर यहाँ पे बहुत साल पहले एक राइनो के एनक्लोजर के अंदर एक बंदा घुस गया था उसमें उसने भी मार दिया तो सर इसमें पेट्रोलिंग पार्टी की अगर बात करें तो पेट्रोलिंग पार्टी का क्या सिस्टम है यहाँ पर यहाँ एक एनिमल मैनेजमेंट रेंज है वो एक्चुअली 9 बजे एनिमल को बाहर छोड़ने से पहले पूरा रेकी करके रिपोर्ट देते हैं कोई एनिमल छोड़ने के लिए एवरीथिंग इज़ रेडी और हमारे कोई बंदे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई वॉल की कोई कमी नहीं है कोई बाउंड्री या कुछ कहीं होल कुछ नहीं है एवरीथिंग इज़ परफेक्ट उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट को दे देते हैं सिक्योरिटी रेंज ऑफिसर सफारी बस को हाँ दे देते हैं उसके बाद ही बस अंदर जा सकता है ये 9 से 9:15 तक हो जाता है उसके बाद अंदर भेजने के बाद एंट्री सिस्टम डबल एंट्री है
कोई भी बंदा अंदर नहीं जा सकता, कोई एनिमल बाहर नहीं आ सकता, ये सिस्टम परफेक्ट है हमारा। उसके अलावा एज पर सीजेटे गाइडलाइंस हमारे वॉल का हाइट मोर देन रिक्वायर्ड है, मोर देन 3 फुट है, वो से बाहर से और 5 फुट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सर ये सर हो चुका है कि जो जो अपना विक्टिम है वो पीछे से ही आया था या यहाँ घूमने वगैरह कोई आया था? नहीं, घूमने वगैरह तो बंदा कोई जा ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा डबल एंट्री गेट सिस्टम है और बस से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। बस में ठेकेदार का एक ड्राइवर है, इसके अलावा एक कीपर भी होगा उसमें, सो दैट कोई बाहर बंदे विजिटर कोई बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा हमारे दिन में 1 घंटे में एक बार सफारी के बाहर वाले एरिया में पैट्रोलिंग टीम घूमते रहता है। आज भी पैट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी, विद इन 2 मिनट्स उन्होंने अलर्ट करते हुए विद इन 8 मिनट्स हमारे बस पहुँच ही गया था मौके पर।